हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्विस्ट इन तड़का। दिस इज़ प्रिया, योर फ्रेंड एंड योर शेफ। कई बार खाने के बाद हमारा मन करता है कि क्यों ना कुछ मीठा खाया जाए, और आजकल तो गर्मियों में आम का सीज़न है, तो क्यों ना फिर आम को यूज़ करके कुछ मीठा बनाया जाए। तो आज उसी के लिए हम लेके आए हैं आम के मीठे अप्पे। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो इसके लिए हमें चाहिए सूजी, चीनी, वनीला एसेंस, अगर वनीला एसेंस नहीं है तो आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, आम का रस, ये मैंने आम को काट के उसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, बेकिंग पाउडर, दूध और तेल। तो हम एक मिक्सिंग बाउल में सूजी डालेंगे, चीनी डालेंगे, मैंगो प्यूरी डालेंगे, वनीला एसेंस डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। दूध आप धीरे धीरे ही डालिए, एकदम सारा दूध नहीं डालिए। और चीनी, अगर आपके आम बहुत मीठे हैं तो आप चीनी उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा दूध इसमें और जाएगा। अब सब मिक्स हो गया है, अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। अब हमारी सूजी को 10 मिनट हो गए हैं, ये पहले से भी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा दूध डाल देंगे। और इस मिक्सचर को बहुत पतला मत रखिएगा। तो चलिए अब इसको अप्पे पैन में डालते हैं। तो हमारा मिक्सचर बनने के बाद इतना थिक दिख रहा है। अब हमारे अप्पे पैन को मैंने ऑयल लगा लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सब में ये मिक्सचर डाल देंगे। ध्यान रखिएगा, इस टाइम आपका गैस एकदम लो होना चाहिए। अब हमने अपना मिक्सचर डाल दिया है और गैस की फ्लेम एकदम लो कर दी है। अब हम इसको ढक देंगे और इसके पकने तक का वेट करते हैं। तो अभी हम अपने अप्पे एक बार चेक कर लेते हैं। इनकी साइड चेंज करने से पहले हम इन पे हल्का हल्का घी लगा लेंगे। आप तेल लगा सकते हो, घी लगा सकते हो। अब हम इनकी साइड चेंज कर देते हैं। तो चलिए अभी खोल के देखते हैं हमारे अप्पे। अरे वाह, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए हमारे आम के अप्पे अब रेडी हो गए हैं। ये आम के अप्पे बहुत ही सॉफ्ट एंड डिलीशियस बनते हैं। देखिए आप इनको घर पे ट्राई कीजिए और अपनी फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।